तेलंगाना की राजनीति को मुफ्त बिजली मिल रही है। अगर रेवंत रेड्डी की यह टिप्पणी की सीमांत किसानों के लिए 3 घंटे मुफ्त बिजली पर्याप्त है, उनके विरोधियों के लिए यह एक हथियार बन गई तो उनकी अपनी पार्टी में हंगामा मच गया। बीआरएस ने सड़क पर आकर विरोध जताया, कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देना कांग्रेस की नीति है, तो कांग्रेस नेता आत्मरक्षा में राजनीति शुरू कर दी। अप्रत्याशित बिजली मुद्दे ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध शुरू कर दिया। बीआरएस रेवंत रेड्डी की उस टिप्पणी से नाराज है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को 3 घंटे बिजली मिलना चाहिए। बीआरएस नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया। उधर मुफ्त बिजली पर रेवंत की टिप्पणी से कांग्रेस में हलचल मच गई। पार्टी के नेता कहते हैं कि असली मुफ्त बिजली योजना कांग्रेस लेकर आई। कुछ अन्य पीसीसी नेताओं की राय है कि रेवंत की टिप्पणियों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीआरएस का कहना है कि रेवंत रेड्डी की टिप्पणियां व्यक्तिगत नहीं है और उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भी बात की, इसलिए कांग्रेस के बचने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वह अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर राजनीति कर रहे हैं। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी की टिप्पणी कि अगर किसानों के लिए 3 घंटे बिजली पर्याप्त है और 24 घंटे मुफ्त बिजली जरूरी नहीं है। इस टिप्पणी से बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मुंह से किसानों को दूसरे खतरे की चेतावनी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आई तो धरनी को हटा देंगी। केटीआर इस बात से नाराज थे कि चंद्रबाबू ने कृषि पर टिप्पणी की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 एकड़ के किसानों को 3 गुना बिजली क्यों मिलती है। उन्होंने टिप्पणी की, यदि आप इस गीत पर विश्वास करते हैं जो किसानों के गीतों का सुरों का अलावा नहीं जानता, तो किसान का नोट निश्चित रूप से मिट्टी का बर्तन होगा। मंत्री केटीआर ने कहा कि केसीआर का नारा 3 फसल है, कांग्रेस की नीति 3 घंटे की है, भाजपा की नीति धर्म के नाम पर आग लगाने की है। उन्होंने कहा कि आपको 3 फसलें चाहिए, 3 घंटे चाहिए या धर्म के नाम पर आग चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तेलंगाना के किसान के लिए निर्णय लेने का समय है। कुकुटपल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा कि टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को अहंकारी टिप्पणियों से बचना चाहिए, किसानों से यह समझे बिना कि 3 घंटे के लिए मुफ्त बिजली पर्याप्त है। इस बात के विरोध में ओल्ड बोइनपल्ली कुदाली में रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया गया। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की मुफ्त बिजली की बात एक तरह से रेवंत के अहंकार की प्रकाष्ठा है जो किसानों को डराती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ तेलंगाना राज्य में 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के संदर्भ में अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रही है। तेलंगाना देश एकमात्र राज्य है जो मुफ्त बिजली देता है। कांग्रेस पार्टी की पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आलोचना की है कि वह भ्रामक बातें कर रहे हैं। तेलंगाना की तरह अन्य राज्यों में भी मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव बढ़ता जा रहा है। मंत्री केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में साग सब्जियों के उत्पादन में 8% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में इतनी हरियाली नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हरियाली का प्रतिशत बढ़ा है। ग्रीन बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष एरिक सोलेम ने ट्वीट किया है कि तेलंगाना में हरियाली 3% बढ़ी है। उस ट्वीट में उन्होंने तेलंगाना सरकार के हरिथारा की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने अपनी हरियाली में 3% की बढ़ोतरी की है और यह एक अद्भुत प्रयास है। एरिक ने अपने ट्वीट पर एक वीडियो पोस्ट किया। एरिक ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले पौध लगाने से हरियाली बढ़ेगी। एरिक ने अपने ट्वीट में कहा कि तेलंगाना सरकार इस सीजन में फिर से स्वास्थ्य पौधे लगाने के लिए तैयार है। हालांकि मंत्री केटीआर ने ग्रीन बेल्ट के अध्यक्ष एरिक के ट्वीट का जवाब दिया। मंत्री केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में 3% नहीं बल्कि असल में 8% हरियाली बढ़ी है। मंत्री ने कहा कि यह देश में सबसे अधिक है। मंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 12,770 गांवों और 142 नगर पालिकाओं में नर्सरी हैं। तेलंगाना एकमात्र राज्य है जहां सभी नर्सरी है। मंत्री केटिया ने बताया कि राज्य भर में 16,000 नर्सरी है। मंत्री केटिया ने तेलंगाना में हरित आवरण बढ़ने के कारण बताए हैं। मंत्री केटिया ने कहा कि नगर पालिका और पंचायत राज अधिनियम के अनुसार हरित बजट आवंटन के कारण हरियाली का प्रतिशत बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अपने परिवार के साथ हैदराबाद के अंबरपेट में देवी महाकाली के दर्शन किए और विशेष पूजा की। इसके बाद उन्होंने अंबरपेट फ्लाईओवर के काम का निरीक्षण किया और अधिकारियों से फ्लाईओवर के काम के बारे में पूछा। फ्लाईओवर को जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के मामले में सहयोग नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि फ्लाईओवर के काम में देरी होगी। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर सर्कल के अत्तापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिव मंदिर के पास एक अत्याचार हुआ। चाकुओं से डराकर ठगों ने अत्तापुर कुमारी बस्ती के वेंकटैया और सिद्धू नामक 2 प्रवासी मजदूरों से 12,000 रुपये की नकदी छीन ली। बाद में 2 मजदूरों ने अत्तापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों का शिकायत पर अत्तापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान प्रेम सिंह और गिद्धा सिंह के रूप में की है।
महबूबनगर जिले के हनुवाड़ा मंडल के चिरमूल कूचा तांडा के शिव और गणेश मनोरंजन के लिए खेलते समय गड्ढे में गिर गए और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। यह घटना तब हुआ जब बोनालू त्यौहार के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। दोनों बच्चे घर पर थे। माता पिता के घर पर नहीं होने के कारण बाहर खेलने गए बच्चे फिल्टर रेत के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बच्चों की मौत के लिए फिल्टर रेत माफिया को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तेलंगाना में सनसनी मचाने वाले पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच जारी रहेगी। खबर है कि एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट की नाराजगी जताने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई तेज करते हुए 10 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि यह गिरफ्तारियां हाल ही में गिरफ्तार किए गए एई पेपर के 16वें रैंकर की सूचना पर की गई। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही कुल संख्या 74 तक पहुँच गई है। मालूम हो कि कुछ अन्य लोगों के लिए विशेष टीम मैदान में उतर चुकी है। इसी मामले में पुलिस ने हाल ही में करीमनगर तिमापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक वेंकटेश्वरलू को एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया था। बताया गया है कि वेंकटेश्वरलू ने एक पेपर लीक करने के लिए रमेश से 5 लाख रुपए समझौता किया था। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके कई लोगों को जमानत मिल चुकी है और हाल ही में कोर्ट ने 2 अन्य जमानत दे दी है। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अकेले हिमाचल प्रदेश में 80 लोगों की मौत हुई। राज्य में भारी बारिश के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। नदियां खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है। वह दूसरी ओर बारिश के कारण भूस्खलन भी हो रहा है। इसके कारण लोग अपना समय असमंजस की स्थिति में बिता रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब क्या होगा। करीब 300 पर्यटक अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा में 15 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में भूस्खलन से 9 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 13 अन्य घायल हो गए। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुराने यमुना पुल को बंद कर दिया गया था क्योंकि हरियाणा सरकार यमुना सागर में हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ रही थी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। 333 घर क्षतिग्रस्त हो गए। 41 इलाकों में भूस्खलन हुआ है। कॉमन सिविल कोड पर राय व्यक्त करने की समय सीमा नज़दीक आने के कारण विधि आयोग को भारी प्रतिक्रिया मिल रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यूसीसी पर कल शाम तक 46 लाख व्यूज मिल चुके थे। खबर है कि विधि आयोग ने आने वाले दिनों में कई संगठनों और नागरिकों की बात सुनने की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि इस संबंध में कई लोगों को निमंत्रण भी जा चुका है। विधि आयोग ने 14 जून से सामान्य नागरिक संहिता पर परामर्श शुरू किया है। उसने सुझाव दिया है कि नागरिकों के साथ साथ धार्मिक संगठन और विभिन्न हितधारकों को भी इस पर अपनी राय देनी चाहिए। अगस्त 2018 में संपन्न हुए 21वीं विधि आयोग ने भी यूसीसी के मुद्दे की जांच की और 2 बार जनता की राय एकत्र की। बाद में इसने 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस दस्तावेज को जारी हुए 3 साल से अधिक समय बीत चुका है और इस बीच उसी मुद्दे पर विभिन्न अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के कुछ पहलुओं को ध्यान में लाया गया। बाईं से विधि आयोग ने 14 जून को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि वह परामर्श फिर से शुरू कर रहे हैं। घरेलू मल्टी बिजनेस दिग्गज टाटा ग्रुप बाजार में आईफोन लॉन्च करने जा रहा है। टाटा को पहली भारतीय आईफोन निर्माता होने का सम्मान मिलने की संभावना है। टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन के कर्नाटक प्लांट को अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं जो फिलहाल देश में एप्पल कंपनी का सप्लायर है। ऐसा लगता है कि करीब 1 साल से चल रही बातचीत अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। दोनों कंपनियों के बीच जल्द ही एक समझौता पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वहीं इस प्लांट की कीमत $600 मिलियन से भी ज़्यादा आंकी गई है। इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में लॉन्च आईफोन 14 मॉडल का निर्माण भी यहाँ किया गया है। विस्ट्रॉन का लक्ष्य अगले साल मार्च तक इस प्लांट से कम $1.8 बिलियन के आईफोन लाने का है। इसी क्रम में अपनी कर्मचारियों की संख्या 30,000 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन अगर टाटा इन सब के लिए राजी हो जाता है तो विस्ट्रॉन भारतीय आईफोन कारोबार से हट जाएगी और डील ठीक हो जाएगी। केंद्र सरकार ने घटिया उत्पादों को आयात को रोकने के लिए स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाइटर और पानी की बोतलों के निर्माण के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह के बिना इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन बिक्री आयात और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। BIAS अधिनियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 2 साल तक कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आगे उल्लंघन करने पर कम से कम 5 लाख का जुर्माना और उत्पादित माल के मूल्य का 10 गुना तक जुर्माना लगेगा। पिछले महीने सरकार ने 20 रुपए से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 50वीं GST काउंसिल का अहम फैसला लिया। ऑनलाइन गेमिंग,
कैसीनो और घूड़दौड़ जैसे सट्टेबाजी पर 28% GST लगाने का फैसला किया गया है। इस बैठक में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुरूप GST दर तय की गई। चाहे कौशल का खेल हो या पैसे का खेल, जाने वाला खेल हो या ऑनलाइन गेम पर 28% GST लगेगा। दूसरी ओर कैंसर की दवा डाइनट्रूकिसमैब को अन्य दुर्बल बीमारियों से पीड़ित रोगियों द्वारा आयातित भोजन पर GST से छूट दी गई। निजी कंपनियों को सैटेलाइट लॉन्च सेवाओं को GST से छूट दी जाएगी। सिनेमा घरों में बिकने वाले पीने के सामान पर टैक्स 18% से घटकर 5% कर दिया गया। करीब एक हफ्ते से स्थिर सोने और चांदी की कीमतें आज भी उसी कीमत पर जारी है। सराफा बाजार में बदलाव और परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में बदलाव नहीं हुए हैं, कोई इजाफा नहीं हुआ, सोना स्थिर है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 73,400 रुपये पर आ गई। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम 54,450 रुपये, 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम 59,410 रुपये रही। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में 22 कैरेट सोने मतलब 10 ग्राम की कीमत 54,450 रुपये है। 24 कैरेट सोने की कीमत जो 10 ग्राम की कीमत है 59,410 रुपये।